Hey guys, today I will talking about TikTok ban. शायद आपको पता होगा कुछ टाइम पहले TikTok इंडिया में बैन होने वाला था because TikTok vulgar content को ज्यादा प्रमोट करता था। तो TikTok ने कहा हम अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को इम्प्रूव करेंगे, जो बेकार वीडियो है वो बच्चों तक नहीं पहुंचेगा, उसको हम TikTok पर नहीं रखेंगे। TikTok ने 60 लाख से ज्यादा वीडियो डिलीट किया था अपने TikTok प्लेटफॉर्म पर। आपत्तिजनक वीडियो आ रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि इस ऐप का लोग दुरुपयोग ना करें। यदि इस ऐप का दुरुपयोग लोग करेंगे तो ऐसे में उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो सकती है। अगर गलत वीडियो कोई फॉरवर्ड करेगा तो भी कार्रवाई हो सकती है। कृपया ये मैसेज तुरंत दे दें। सरकार ने सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर रोक लगा दिए। टिकटॉक पर बैन लगाना एक बड़ी बात है क्योंकि यह भारत में बहुत लोकप्रिय हो चुका था। आइए देखते हैं 59 ऐप कौन से बंद कर दिए गए उसकी पूरी डिटेल। आने वाले समय में भारत सरकार कुछ और बड़े फैसले ले सकती है, इसमें कुछ कंपनियों के ठेके कैंसिल हो सकते हैं। चीनी ऐप्स पर बैन लगाने से चीनी कंपनियों का बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिए ऐसे खतरनाक बताया है। IT मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली है, जिनमें एंड्रॉइड और iOS के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है। चलिए देखते हैं वो कौन से 59 ऐप है जो प्रतिबंधित इंडिया सरकार की ओर से किए गए हैं। टिकटॉक, शेयर इट, कवाई, शेयर इन, बाइडू मैप, बीयूसी ब्राउज़र, क्लैश ऑफ किंग, डीओ बैटरी सेवर, हेलो ऐप, लाइकी ऐप, यू कैम मेकअप, MI कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, APUS ब्राउज़र, रोम वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, UC न्यूज़, QQ मेल, वी आईबो, जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज़, बिगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल, Xiaomi, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, ब्राउज़र क्लीनर, कैचे क्लीनर, वॉल्ट हाइट, हैगो प्ले, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चिता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स, DU प्राइवेसी। इस प्रकार के 59 एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा बंद कर दिए गए, जो चीनी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। यह भारत सरकार का फैसला आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरा सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच जाए।